अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। तो ये जो क्लिप है ये काफ़ी दिनों की है, पहले की है, जो कि मैं संडे की वीडियो क्लिप में जो है अटैच कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो कई दिनों से जो है मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, कई दिनों से नहीं, मैं कहूँगी तकरीबन 3 महीने से। और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ और क्यों नहीं बना पा रही हूँ, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक नई साड़ी निकाली है, क्योंकि संडे को जो है फंक्शन था, हकीके का फंक्शन, जो कि हमारे पप्पू के बेटे के बच्चों का था। तो बस वहीं पर जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे, और ये है बैंगल्स जो मैं उसके साथ पहन रही हूँ। तो ये मैचिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस जैसे तैसे गोल्ड कलर की वैसे मिक्स कर लिया गया। और ये है मेरा मंगलसूत्र, जो कि यहाँ पर ज़रूर पहना जाता है साउथ इंडिया में। तो ये दिखाने के, तो रेडी होने के बाद मैं दिखा रही थी, यहाँ पर मैं साड़ी पहन चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ें पहन कर रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं बाहर जाने के लिए निकल चुकी हूँ। रास्ते में ये गली है जहाँ से मैं रोड पर जाऊँगी। वैसे तो नॉर्मली मैं स्कूटी पर जाती हूँ, लेकिन बस तबीयत की वजह से, और ये गली जो है ना इतनी ख़राब है, आप देख सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर कितने बने हुए यहाँ पर जगह जगह पर, इतने तो आपको कहीं भी ना दिखे रोड पर या फिर हाईवे पर, जितनी कि यहाँ पर बने हुए हैं। तो खैर, हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत ही कम आए, स्लो नज़र आए, लेकिन क्या करेंगे, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो वहाँ से हम लोग निकल चुके थे, ऑटो का मैंने कुछ शूट नहीं किया है, बस ये वो गली है जहाँ पर वो जगह है जहाँ पर हमें जाना था, लेकिन हुआ ये कि हम लोगों से एड्रेस मिस हो गया और हमें ऑटो को कहीं और रुकाना पड़ा, क्योंकि हम लोग जो है ऑटो वाले को भी नहीं घुमाना चाहते थे, क्योंकि गलियाँ इतनी तंग थी कि ऑटो को रिवर्स वगैरह करने में मुसीबत हो सकती थी। तो उसके बाद हमने जो है चलकर ही सारा रास्ता तय किया है, क्योंकि हमें पता था कि यहीं से कुछ देर की दूरी पर ही है। तो है, देख सकते हैं आप किस तरह के जंगल भरे रास्तों से हम लोग जा रहे हैं। तो शुक्र है कि इस दिन कोई भी बारिश नहीं हुई थी, और मुझे ना अपनी फैमिली फंक्शन में इस तरह के भी जाना पसंद था। तबीयत इस दिन भी ठीक नहीं थी और जाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गई, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब हमारी फैमिली वाले सारे मिले, और ख़ासकर मेरे फादर साइड के जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही फंक्शन में मुझसे मिलते हैं और मैं भी उनसे मिलती हूँ। यानी रहते तो सब लोग एक ही गांव में हैं, लेकिन होता ये नहीं कि हम लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो बस इसीलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर खाना वगैरह यहीं पर बना हुआ था घर के पास, तो मुझे घर का भी लेना था, मैंने नहीं ले पाई। तो उन लोगों ने शाम के लिए जो रस्म था हकीके का, क्योंकि ना ये एक साथ 2-3 फंक्शन मिक्स करके किए गए थे, एक तो उसने अपना नया घर बनाया था और दूसरा उसके बेटे का खतना हो चुका था, तो यहाँ पर रस्म करते हैं वो, और तीसरा हकीका। तो इन तीनों फंक्शन को एक साथ किया गया था, और यहाँ पर जो है ढोल बाजे बजे थे। और यहाँ देखिए मेरी भांजी जो रेडी हो रही है, दरअसल हुआ ये कि जैसे ही मतलब बाजे वाले आए थे, तो कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर लाइट्स वगैरह चली गई थी, और काफ़ी देर के बाद आई थी, तो जैसे ढोल वाले आए तो यानी रस्म वगैरह का टाइम नज़दीक आया, तो वहाँ पर बच्चे को भी रेडी कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा
और मेरे भाई का बेटा, मेरे चाचा के बच्चे, और जाहिर सी बात है कि ढोल वगैरह जो है बच्चों को बहुत पसंद आते, तो यहाँ पर सारे ही बच्चे मिलकर डांस कर रहे थे और किसी डांस करने वालों की भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी और बहुत अच्छा लग रहा था माहौल, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर। हम लोगों को आते आते तो शाम हो चुकी थी रात, तो बहुत सी क्लिप ऐसी है जो मैं शूट नहीं कर पाई और कुछ क्लिप ऐसी है जिसको मैंने शूट भी किया। ये मेरा भाई है जो अंदर आ रहा है, जिसको रास्ता भी नहीं मिल रहा था आने के लिए, और ये मेरी भाभी है जो दिन में नहीं आई थी, बस रात को थोड़ी देर के लिए आई थी क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो चुकी थी, और उसके बाद वो तो चली भी गई थी थोड़ी देर के बाद। तो खैर, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी क्यूट सी भांजी कुछ रेडी होने के बाद जो है छत के ऊपर टेरेस के ऊपर ये भी नाच रही है अपने भाई के साथ में, तो बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को ये सारी चीज़ों में। खैर, टेरेस पर मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर चढ़ कर जाऊँ, तो मैं नीचे ही बैठी हुई थी। मेरी बहन ने ये थोड़ी बहुत क्लिप जो है शूट कर कर मुझे भेजी थी, जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इसको इतना मज़ा आ रहा था कि वो बार बार जो है ना ढोल बजाने वालों को ढूंढ रही थी। यहाँ पे जो है बच्चों की रस्म की तैयारी कर रही थी। ये देख सकते हैं सेहरा जो कि सिर्फ लड़के के लिए लाया गया था। तो ये कुर्सियाँ हैं जो दूल्हे या फिर महाराजा चेयर पता नहीं जो कुछ भी कहेंगे। तो खैर, रस्म तो ऊपर सारी तैयारियाँ हो चुकी थी लेकिन रस्म पूरा नहीं हुआ था क्योंकि सडन से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस जितना हो सका उतनी क्लिप जो है आपके साथ शेयर की जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबने भी जो है फंक्शन एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।